त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव वेलकम जूली, वेलकम। हम 3 महीने बाद मिले हैं। हाँ, मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है मोसेस, आई एम सॉरी। गलतियों से आदमी सबक सीखता है जूली। तुमने हमारे खिलाफ कोर्ट में कुछ नहीं बोला, इसलिए टाइगर तुमको प्रेजेंट देने को मांगता है। रियली, हाउ नाइस ऑफ हिम। कब मिलेंगे हम टाइगर से? टाइगर किसी से नहीं मिलता, टाइगर का सिर्फ हुक्म मिलता है, और टाइगर का हुक्म है जूली, टोनी, कंट्रोल योरसेल्फ।
तुम जानते हो टाइगर किसी की गलती को माफ नहीं करता। जूली तुम्हारी बहन थी, आई नो, लेकिन हमारे काम में ना कोई बहन है ना कोई भाई। टाइगर का यही हुक्म है, ऑर्डर इज ऑर्डर। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन? यस, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर शर्मा हियर। इंस्पेक्टर साहब, बाहर के मुल्क से करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां और जहरीली ड्रग्स हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं। क्या, कैसी दवाइयां? आपको ये सब कैसे पता है? कौन है आप? मैं टाइगर के गैंग का आदमी हूं। टाइगर? कहां है ये टाइगर? कौन है ये टाइगर? टाइगर को आज तक हम में से किसी ने नहीं देखा। हमें हुक्म मिला है कि आज रात मीरामार बीच पर नकली दवाइयों की डिलीवरी लो। मीरामार बीच? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं टाइगर को क्या जवाब दूंगा? अगले हफ्ते कॉस्मो यहां आ रहे हैं, उनके साथ करोड़ों रुपए का डील होने वाला है। अगर उन्हें जरा इत्तला मिल गई कि पुलिस ने हमारे ऊपर रेड किया है तो प्रोफेसर रंजीत, मोजिस, लिली, मैक, गिरदर, विकास, तुम खास लोगों को छोड़कर 660 मेंबर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में और भी हैं। जरूर इन्हीं में से कोई गद्दार है जिसने पुलिस को इत्तला दी है। कौन है वो? कौन हो सकता है? टाइगर? शक्ति? यस टाइगर। टोनी की सिस्टर की लाश का क्या हुआ? आपके हुक्म के मुताबिक मोजिस ने उसकी लाश को गायब कर दिया था। वेरी गुड। अब टोनी को भी उसकी सिस्टर के पास पहुंचा दो। हमसे गद्दारी करने वाला वही है। ओवर। टोनी, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कॉस्मस। एंड जेंटलमैन, मिस्टर रंजीत, इंटरनेशनली रिनाउंड साइंटिस्ट, दुनिया के बहुत माने हुए साइंटिस्ट है। मिसेस रंजीत, मिस्टर मोजेस, मिस्टर विकास एंड मिस्टर मैक। एक्सक्यूज मी, यस, हेलो टाइगर, यस, हाँ कॉस्मस यहाँ पहुंच गए। डोंट वरी, मैं सब बात उनसे कर लूंगा। ओके, तो मिस्टर टॉम, आप हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी ताकत बनते देखना नहीं चाहते? इसके लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपकी भेजी प्रपोजल्स के मुताबिक हमने एक प्लान बनाया है। प्रोफेसर रंजीत उसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। प्रोफेसर रंजीत? श्योर। यह है अंजनापुर। 13 फरवरी को भारत सरकार की तरफ से
यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने जो भी तरक्की की है उसकी नुमाइश होगी, और उस नुमाइश में डिफेंस फैक्ट्रीज में बने नए नए प्लेन्स, जेट फाइटर्स, टैंक्स और मिसाइल्स वगैरह भी दिखाए जाएंगे, और उसी दिन भारत सरकार की बड़ी से बड़ी हस्तियां यहां मौजूद होंगी। और ये वो जगह है जहां हमारी ये लेबोरेटरी बनेगी। ये अंजनापुर से कितनी दूर है? 500 किलोमीटर दूर। और दुनिया में कोई ऐसी तेज और गहरी नजर नहीं है जो इस पहाड़ी की तह में बनी हमारी इस लेबोरेटरी तक पहुंच सके। ये हमारा लॉन्चिंग स्टेशन है, और ये वो बम है जो इस तोप से निकलेगा और रिलीज बटन दबाते ही 50 सेकंड के अंदर अंजनापुर पे जा गिरेगा, और अंजनापुर का 40 किलोमीटर तक का इलाका 5 मिनट में जल के खाक हो जाएगा। प्रोफेसर रंजीत, कॉस्मस ने आपके बारे में पूरी जानकारी करके इस प्लान का फैसला किया है, हमें यकीन है आप कामयाब रहेंगे। फिर भी अगर ये बॉम ब्लास्ट नहीं हुआ तो इम्पॉसिबल, अगर ये फेल हो गया तो वर्ल्ड साइंस फेल हो जाएगी। वेरी गुड प्रोफेसर, शक्ति द डील इज ऑन एंड हियर इज योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट $1,000,000। थैंक यू टॉम, थैंक यू वेरी वेरी मच। देखिए मिस्टर टॉम, अगली किस्त आप डायमंड की शक्ल में भेजेंगे। ओके, मगर कैसे भेजेंगे? प्रोफेसर रंजीत के बायो रिसर्च सेंटर के नाम। आप एक जानवरों की शिपमेंट भेजेंगे, उनमें से एक जानवर होगा जो डमी होगा, और तमाम डायमंड्स उस डमी जानवर में होंगे। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, आपका जवाब नहीं है शक्ति। थैंक यू, वेरी वेल डन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आई विल सी यू टू द डोर। अब हमें अपना काम बहुत तेजी से शुरू कर देना चाहिए। मोसेस, यस, तुम मार्केट में नकली दवाइयां डाल दो। मैक, तुम दरियाओं और नदियों के पुलों को उड़वा दो। विकास, तुम जगह पे जगह रेल की पटरियों को खाड़ने का इंतजाम शुरू करवा दो। क्या होगा शक्ति? धमाका, बहुत बड़ा धमाका होगा। लाखों लोग मारे जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी, और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगी। पुलिस और देश की सरकारी मशीनरी की तवज्जो उस तरफ चली जाएगी, और हम अपना काम बिना किसी डर और रुकावट के बड़ी आसानी से कर सकेंगे। कल सारा देश जलता हुआ नजर आना चाहिए। देश के सभी बड़े बड़े शहरों में एक साथ इतनी मौतें हो जाने का मतलब है कि ये किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का ही काम है। ये भी हो सकता है सर कि इन ट्रेजेडीज के पीछे किसी गैर मुल्क का हाथ हो। हो सकता नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशियों की उंगलियों पर नाच कर हमारे मुल्क को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया है कि उन लोगों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने सीक्रेट एजेंट बॉन्ड 303 को चुना है। He is very good, sir. मुझे उम्मीद है कि आपका डिपार्टमेंट उसकी पूरी पूरी मदद करेगा। श्योर सर, थैंक यू। मैरे? यस सर। कॉन्टैक्ट 303। छुट्टियों में बिल्कुल फ्री। नो जॉब टेकिंग? यस स्वीटहार्ट, नो जॉब टेकिंग, ओनली लव मेकिंग। उफ, क्या लड़की थी। कहाँ? अंधेरे में मैं जा रहा था, वो आ रही थी, टक टक टक।
रास्ते में कल एक लड़की मिली, दूर तलक मेरे साथ चली, आंखों ही आंखों में बातें हुई, पूछो न फिर क्या हुआ। अरे रास्ते में कल एक लड़की मिली, दूर तलक मेरे साथ चली, आंखों ही आंखों में बातें हुई, पूछो न फिर क्या हुआ। तो क्या हुआ, हुआ हुआ कुछ हुआ, हुआ 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 कुछ हुआ हुआ। मिली तेरे आगे सनम, तेरी कसम कुछ नहीं, तेरी क्या अदाएं हैं, मस्त निगाहें हैं, तू है कितनी हसी। कल जो भी मिली तेरे आगे सनम, तेरी कसम कुछ नहीं, तेरी क्या अदाएं हैं, मस्त निगाहें हैं, तू है कितनी हसी। हुआ हुआ कुछ हुआ, हुआ 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 कुछ हुआ हुआ। रास्ते में कल एक लड़की मिली, दूर तलक मेरे साथ चली, आंखों ही आंखों में बातें हुई, पूछो न फिर क्या हुआ। तो क्या हुआ, अरे हुआ हुआ कुछ हुआ, हुआ 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 कुछ हुआ हुआ। तेरा जवाब तो मिलेगा ही नहीं, जहां मैं ऐ जाने जा, पहलू में आ जरा इतना बता जरा, अभी तक तू भी कहां। अरे तेरा जवाब तो मिलेगा ही नहीं, जहां मैं ऐ जाने जा, पहलू में आ जरा इतना बता जरा, अभी तक तू भी कहां। हुआ हुआ कुछ हुआ, हुआ अरे हुआ हुआ कुछ हुआ, हुआ अरे हुआ हुआ कुछ हुआ, हुआ। त्रिनाथ्रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मौसम कैसा है वहाँ? ज्यादा सर्दी तो नहीं? जिसे बर्फों में आइसक्रीम खाने का शौक हो उसे सर्दी नहीं लगती सर। खैर, काम क्या है? डिपार्टमेंट को तुम्हारी सख्त जरूरत है, कल मुझे ऑफिस में मिलो। लेकिन सर। सी यू टुमारो। ओके सर। माय गॉड,
इसका मतलब 137 पेशेंट आपके हॉस्पिटल में? जी नहीं जी नहीं, वर्मा साहब इस वक्त मीटिंग में है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं उनसे कह दूंगा। मिस्टर मिश्रा। यस सर। स्टॉप प्रेस के लिए खबर तैयार करो। शहर में नकली दवाइयों की वजह से मौतों की तादाद 625 हो गई है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। कहीं पुल उड़ाए जा रहे हैं, कहीं ट्रेनें उलटाई जा रही हैं। पिछले महीने से सारे देश में एक हाहाकार सी मची है और अब बंबई में ये नकली दवाई। हेलो। क्यों नहीं, मैं तो इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री को भी कसूरवार समझता हूं। एक दो हॉस्पिटल्स या ड्रग स्टोर्स होते तो और बात होती, लेकिन यहां तो शहर के हर कोने से मौतों की खबरें आ रही हैं और इसका कारण कोई एक पर्टिकुलर दवा नहीं है। जस्ट मोमेंट प्लीज। हेलो। हाँ ओह नो। अच्छा मैं पहुंचता हूं। हाँ जी। हाँ कोशिश तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कालेलकर साहब को किसी नतीजे पे तो पहुंचना चाहिए। ओके मिस्टर मिश्रा जी, मैं सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कोई खास खबर हो तो मुझे वहां कांटेक्ट कर लेना। अच्छा सर। वर्मा साहब, आपकी रिपोर्ट मिलते ही हमने शहर की तमाम दवा बनाने वाली फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज पर पुलिस का पहरा बिठा दिया है। हो सके तो मौत पे पहरा बिठाइए आईजी साहब। वर्मा साहब, जरा इन लोगों की हालत तो देखिए। ऐसा लगता है जैसे इस शहर में सरकार और हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। 3 दिन में 500 से ज्यादा मौतें होना पुलिस के लिए शर्म की बात है। आप जैसा देशभक्त और इंसाफ पसंद जर्नलिस्ट भी क्या पुलिस ही को दोषी ठहराएगा? नेचुरली। मार्केट में इस तरह नकली दवाइयों और जहरीली ड्रग्स की भरमार एकाध फैक्ट्री नहीं कर सकती आईजी साहब। यह जरूर किसी एंटी सोशल गिरोह या दुश्मन मुल्क का काम है जो इस तरह मासूम इंसानों की जान लेकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। आप अगर इसका पता नहीं लगाते और मुजरिमों को पकड़कर जल्द से जल्द कानून के सामने नहीं लाते तो आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे अपने अखबार के हर इश्यू में पुलिस अथॉरिटीज के खिलाफ लिखना होगा। आप क्या मुझे धमकी दे रहे हैं? आप जो भी समझें। यस सर। व्हाट अबाउट 303? उसने 11 बजे रिपोर्ट करने को कहा था ना? यस सर, अभी लेकिन 11 बजने में 1 मिनट बाकी है सर, वो आता ही होगा। जैसे ही वो आए उसे इमीडिएटली अंदर भेज दो। ओके सर। कमाल है, नंबर 1 की सेक्रेटरी होकर एक चिपकली से डर गई। मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। ये चिपकली? अरे चिपकली नहीं, ये देखो। How sweet. Really? ये क्या, तुम नेल पॉलिश पे नहीं लाए? Oh, I'm sorry. याद रखो, तुम नेल पॉलिश जब तक नहीं लाते मैं अपने पाँव का नाखून पॉलिश नहीं करूंगी। डार्लिंग क्या करूं, मैं तुम्हारे पाँव तक पहुंच ही नहीं पाता। इन गैसों के जाल से निकलता हूँ तो इन आंखों में रुक जाता हूँ। इन होठों की अमृत धारा से होश आने लगता है तो ये नंबर 1 बीच में आ जाता है, मेरा दुश्मन। मैं चलता हूँ। बाय सर। ही इज ऑन द वे सर। Thank you.
मुझे खुशी हुई थी नॉर्थ वे, इतनी लंबी छुट्टी के बावजूद तुम्हारी चुस्ती, चालाकी और दिमाग पे कोई असर नहीं हुआ। आई एम हैप्पी। आप मेरा फिटनेस टेस्ट ले रहे थे? इट्स माय ड्यूटी। अच्छा ये बताओ, हाँ अखबार पढ़ने की भी फुर्सत मिली थी या सिर्फ आइसक्रीम ही खाते रहे? आप खुद समझदार हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। आइसक्रीम खाने में? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आप अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे थे ना? हाँ, नकली दवाइयों तक की तो बात समझ में आती थी, लेकिन ये रेल की पटरियां और पुल उड़ाना, एयरपोर्ट पे बम फोड़कर मुल्क में दहशत और डर फैलाने का मतलब है, किसी विदेशी ताकत की शय है इनको। बिग गेम। वो हमारे देश को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमारे देश को कमजोर बनाने वाली ताकत पैदा होने से पहले ही खत्म कर दी जाएगी। मैं मिशन समझ गया हूं सर। ऑर्डर्स क्या है? हमारी खबर के मुताबिक उनका हेडक्वार्टर बंबई में है। असलम कल सुबह वहां के तमाम रिकॉर्ड्स के साथ बंबई एयरपोर्ट पे तुम्हें रिसीव करेगा जी, और इस केस में तुम्हें असिस्ट भी करेगा। ओके। बाय द वे, कल शाम को मैरी तुम्हें बॉम्बे होटल में कांटेक्ट करेगी। लेकिन सर मैंने तो अभी बाहर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। वेरी स्मार्ट, जस्ट लाइक यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर। यू आर आउटस्टैंडिंग। आई गॉट इट। क्या है? मेरे एक्सपेरिमेंट का ठीक नतीजा मिल गया, मैं कामयाब हो गई। आई हैव डन इट। पर कौन सा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ? वही टेंशन दूर करने का इंजेक्शन। अब आदमी दिमागी तौर पर कितना भी परेशान हो, इसका एक इंजेक्शन मिलते ही वो अपने आप को सबसे ज्यादा शांत, खुशकिस्मत और खुशहाल समझेगा। इसका एक इंजेक्शन मिलते ही उसके अंदर के सारे बंधन खुल जाएंगे और वो अपने दिल की बात बिना झिझक के कह सकेगा। पर कविता, तूने एक्सपेरिमेंट किसी इंसान पर तो ट्राई नहीं किया अभी तक? हाँ यार, वो भी मिल गया। प्रोफेसर घाटके, तूने उन्हें कभी हंसते हुए देखा है? कभी नहीं। और डॉक्टर मिस पांडे, उनको भी कभी हंसते हुए देखा है? इन दोनों की सीरियसनेस की वजह जानती है? दोनों कुमारी हैं और दोनों दिल ही दिल में शायद एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो डायबिटीज का इंजेक्शन तो दोनों हमेशा लेते ही हैं। हाँ लेते हैं। आज डायबिटीज की बजाय ये इंजेक्शन होगा। सर, आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया है। डॉक्टर पांडे, आप इंजेक्शन ले लीजिए। ठीक है, मैं खुद लगा लूंगी। थैंक यू सर। इट्स ओके। आप ये जरा देख लेते तो।
एक्सपेरिमेंट करते हैं। किस पर? जो भी ऊपर वाला भेज दे। शाबाश बेटी, आराम आराम वर्दे कप्तान असलम का सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हुजूर मैं आपको लेने आया हूँ। आप लेने मुझे आए और गाड़ी वहाँ रुकते हैं? क्या है कि गाड़ी और मेरी आदत कुछ मिलती जुलती है, चलते चलते चलती है और रुकते रुकते रुकती है। आइए बैठिए। चलिए, लेकिन क्या ये गाड़ी चलेगी? चलेगी नहीं, दौड़ेगी दौड़ेगी। चलिए तो सही। इस बार मुझे असिस्ट कौन करेगा? वो बदकिस्मत मैं हूँ। तुम्हारी बदकिस्मती मेरी खुशकिस्मती होगी। नहीं, नहीं, नहीं। क्या हुआ? मेरी बदकिस्मती शुरू हो गई। इस गाड़ी को भी ये जंगल में अटकना था। गाड़ी खराब हो जाए तो मुझे टेंशन हो जाती है। तू तैयार हो जा। अरे आज का दिन ही खराब है, समझ में नहीं आता गाड़ी को बेच दूं या दफना दूं। कप्तान ने आपने कुछ ये चुटी तूने मारी? आदत नहीं। चल अपना काम कर। अच्छा हाय, लगता है आप लोगों को कुछ टेंशन है। टेंशन तो है, ये अब नहीं रहेगी। चल अब नहीं रहेगी, ऐसा लगता है हा? मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। कप्तान आपने कौन सी लड़की को पहले नहीं देखा है? चलो ये देखते हैं। ये तो दीवाने लगते हैं। अरे मैं तेरा दीवाना, ये कैसे तूने जाना, जरा मेरी जाये बता। सुनो दिल वाली, चाहे से तू गाली, छोड़ू ना पीछा तेरा। ओ मैं तेरा दीवाना, ये कैसे तूने जाना, जरा मेरी जाये बता। सुनो दिल वाली, चाहे दे तू गाली, छोड़ू ना पीछा तेरा। अरे फंसेगी फंसेगी फंसेगी, हाँ देखो तो दीवानों की उड़ाती है हंसी। फंसेगी फंसेगी, अरे हंसेगी फंसेगी, दबे दबे होठों में छुपाती है हंसी। अरे देखो तो दीवानों की उड़ाती है हंसी। ऐसे ना दिल जला, मैं तेरा दीवाना, ये कैसे तूने जाना, जरा मेरी जाये बता। सुनो दिल वाली,
दिलवाली छोड़ू ना पीछा तेरा। किसी को तो देगी दिल कभी न कभी है हसी पर दिल नशी है हसी दिल नशी। हाँ कभी वाली बात क्यों ना हो जाए अभी है हसी है दिल नशी और है हसी है दिल नशी। किसी को तो देगी दिल कभी न कभी कभी वाली बात क्यों ना हो जाए अभी। दिल है तेरा हो मैं तेरा दीवाना ये कैसे तूने जाना तेरा मेरी जान ये बता। सुनो दिल वाली चाहे दिल वाली छोड़ू ना पीछा तेरा। मेरी आजा आजा मेरी 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 आजा। यार 10:30 बज गए, मेरी का अभी तक कहीं पता नहीं। मेरी का पता नहीं लेकिन हमारा पता तो उसके पास है। यहाँ नहीं मिलेगी तो ऊपर मिल जाएगी। मेरा मतलब है ऊपर कमरे में। चल यार चल कर देखते हैं। चलते मैंने कहा था ना मेरी इंटेलिजेंट लड़की है। हाय मेरी वी आर हियर बेबी। मेरी 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 के पास जरूर कोई खबर थी हमारे लिए। याद रखो तुम नेल पॉलिश जब तक नहीं लाते मैं अपने पांव का नाखून पॉलिश नहीं करूं। असलम इस फिल्म को देखेंगे। असलम रेडी? यस कप्तान। चलाओ फिर। इस जगह को जानता है? जगह तो जानी पहचानी लगती है। अरे हाँ ये तो शिवली पहाड़ के पीछे का कब्रिस्तान है। 5 साल पहले मैं यहां गया भी हूं। मुझे इसको यहीं दफनाया गया है। असलम फिर एक बार गौर से देख ले। कहां ले आए कप्तान? नजर आता नहीं कोई मकान, सिर्फ कब्रिस्तान कब्रिस्तान। एक मिनट चला किधर?
अरे अरे ये क्या कर रहे हो? चलो अरे ये आप ठोक ठोक कर मुर्दे क्यों जगा रहे हैं? अबे जगा नहीं रहा हूं, जगह ढूंढ रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है मैरी ने जो फिल्म में जगह बताई थी वो यही कही है। ऐसा करते हैं खोद कर देखते हैं। खोद कर देखते हैं? लेकिन खोदेंगे कैसे? ऐसा कर, तेरे पास टाइम बम है ना? हाँ, उसे लगा दे। टाइम 10 बजे का रखना। अच्छी बात है, लगा देता हूँ। कहाँ लगाऊं बम, कहाँ लगाऊं बम? तूने क्या कहा था? मोजिस को मरे 5 साल हो गए। हाँ, इधर आ। ये देख, मोजिस किसी में कोई चक्कर लगता है। चल हाथ दे। अल्लाह का शुक्र है, कुत्ते की मौत मरने से बचा लिया। लेकिन कप्तान, ये हम कहां आ गए? कप्तान, ये तो नकली दवाइयों का गोदाम लगता है। सामने से निकालो। आहिस्ते आहिस्ते। नीचे से निकलते संभाल कर। कप्तान, ये तो पुतलों का गोदाम लगता है। कप्तान देखो, हाँ
उस तरफ भी है। ये देखो, तुम लाइट मेरे मुंह पे क्यों मार रहे हो? ओह माय गॉड, कृष्ण के अल्लाह, मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? बड़ी गड़बड़ी हो गई कप्तान, मैंने गलती से बॉम्ब ठीक इसी क्रॉस के ऊपर लगाया हुआ है। पीछे जा रहे हैं या वो आगे आ रहे हैं? देखते हैं। कप्तान, ये तो खिलौने हैं, बिजली से चलने वाले। Welcomes you 303. Moses, तुम्हें तो 5 साल पहले दफना दिया था, फिर जिंदा कैसे हो गए? तुम्हारे कब्र खोदने के शौक ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अपने आखिरी सफर के लिए तैयार हो जाओ 303। शैतान के लिबास में मोसेस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असलाम, आखिरी वक्त के लिए तैयार हो जाओ। मोसेस, हम दोनों आखिरी वक्त में ऊपर वाले को याद कर लें। सिर्फ 1 मिनट, 60 लम्हे। बस 1 मिनट। परवरदिगार, जितना याद कर लो, आज तुम्हारा भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरा नहीं, आज तेरा भगवान मुझे बचाएगा मोसेस। बॉन्ड सिक्योरिटी एजेंट तो हमारे प्लान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है।
अगर वो अंडरग्राउंड डेन में पहुंचकर मोसेस जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी को मार सकता है तो वो यहां भी पहुंच सकता है। जैसे भी हो इस बॉन्ड 303 को खत्म करना होगा। शक्ति, हमें खबर मिली है 303 टोनी की सिस्टर को ढूंढ रहा है। अच्छा, लेकिन टोनी की सिस्टर को मारे तो काफी दिन हो गए हैं, उसे तो जेल से निकलते ही मोसेस ने खत्म कर दिया था। हाँ, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि हमने टोनी की सिस्टर की लाश को गायब कर दिया था। और अब अगर वो टोनी की सिस्टर को ढूंढ रहा है तो हमारा काम और भी आसान हो सकता है। लिली, यस, तुम टोनी की सिस्टर बनकर होटल इंपीरियल में बॉन्ड 303 से मिलोगी। Thank you.
आइए, आ जाइए ना, अंदर आ जाइए। ये अंधेरा किस लिए? बड़े ना समझ है आप। आपको रोशनी पसंद है तो लीजिए। आपने मुझे यहां कुछ कहने के लिए बुलाया है? ये अदा जाने तमन्ना आपसे सीखे कोई, जान कर अनजान बनना आपसे सीखे कोई। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। वो बेदर्दी से सर काटे मेरा और मैं कहूं हुजूर आहिस्ता आहिस्ता। अब आ भी जाइए आहिस्ता आहिस्ता। अब तुम भी टोनी के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैडम, इसको चलाने के लिए गोलियों की जरूरत होती है और गोलियां तो मेरे पास है। कविता, तू यकीन नहीं करेगी, मैंने जब से यहाँ आना शुरू किया मेरा 4 पाउंड वजन कम हो चुका है। सलमा, अगर तू इसी रफ्तार से वजन कम करती रही तो 1 साल में तू गायब हो जाएगी। सलमा, उस लेडी को देख। किसे? कहीं देखा हुआ है ना, वो पीला गाउन पहने हुए। वो चेहरा कुछ, अरे अरे, ये तो मिसेस दयाल है। मिसेस दयाल? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग औरत है। लास्ट ईयर मैं इनकी यहाँ पार्टी पर गई थी, अभी तुम्हारे से मिलवाती हूँ। हाय मिसेस दयाल, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं कविता हूँ, मिस्टर वर्मा की भतीजी। हाय, कैसी हैं आप? मैं चलती हूँ। अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं? ये मेरी फ्रेंड सलमा है। हाय सलमा। हेलो। और सुनाइए मिसेस दयाल,
क्या चल रहा है? आपकी बेटी कैसी है? बेटी? हाँ, वही जिसने आपकी बर्थडे पार्टी पर डांस किया था, वो क्या नाम है उसका? नाम मुन्नी, मुन्नी नहीं, नहीं, नहीं मुन्नी नहीं, वो उससे छोटी है ना, वो उससे छोटी, वो गुड्डी होगी, गुड्डी नहीं नहीं, गुड्डी से भी जो छोटी है ना, वो क्या नाम है उसका? उससे भी छोटी? हाँ, उसका नाम बेबी है, बेबी, बेबी। कुल कितने बच्चे हैं आपके? तीन। मिसेस दयाल, आप झूठ क्यों बोलती हैं? मुझे पता है आपकी छह बेटियां हैं। छह? हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में छह? आप तो पढ़ी लिखी हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अजी मैं क्या कर सकती हूँ, दयाल साहब को बेटा जो चाहिए। अच्छा, तो जब तक दयाल साहब को बेटा नहीं मिलेगा, इसी तरह दयालु रहेंगे। लेकिन मिसेस दयाल, ये तो मानना पड़ेगा, इतने बच्चों के बाद भी आपने अपने फिगर बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की हुई है। थैंक यू सलमा, दरअसल बात ये है कि मैं मसाज करती हूँ ना, मसाज, मसाज। अरे हाँ सलमा, मैं तुम्हें बताना भूल ही गई, मिसेस दयाल जो है ना, बहुत अच्छे मसाज करती हैं। अच्छा। मिसेस दयाल, आज मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, आज तो आपको मेरी मसाज करनी ही पड़ेगी। हाँ जी, आज तुम बहुत थके। अरे चलिए ना। कहाँ? मैं कहती हूँ चलिए, मसाज मसाज, चलिए चलिए, मैं बहुत बढ़िया मसाज करूंगी आपका। आइए आइए, चलिए लीजिए अभी। शाबाश, जी बहुत मजा आ रहा है मुझे भी। अच्छा सामने से यू बड़ी ओल्ड लेडी। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग बोला इधर नहीं आ सकता है। यू कांट कम इन, दिस इज ओनली फॉर लेडीज। तुम एक फूल जो हो, गेट आउट। गुंडे लोग कहां से आ गए? तुमको बोला यहां सब लेडीज है, औरतें, औरतें। देखो देखो, तुम काहे को नहीं हमारा सुनता? तुम लोग जाता है कि नहीं? फिर धोखा दे गया साला। गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। जाओ जाओ, दिस स्टूपिड फूल। अब तो छोड़ दीजिए। जी जी हाँ, मुझे मालूम है वो लोग यहाँ आपकी तलाश में आए थे। फोन 3.3। इतने जवान हैं अपने इरादे।
रहे, हाथों में हाथ लेके चल दिए हैं प्यार के दीवाने। ये रही मिस लिली की फाइल। मिस लिली डिक्रूज 15 जून 1976 को सिटी बैंक डकैती के जुर्म में पहली बार गिरफ्तार हुई। करीबन एक बरस केस चलने के बाद 20 मई 1977 को अदालत ने 3 साल कैद की सजा दी। जेल से रिहा होने के कुछ महीनों बाद होटल सेवन हेवन में कैबरे डांसर बन गई। आई सी। और 13 अप्रैल 1981 को बायोलॉजी के मशहूर स्कॉलर और जानवरों के वेलविशर प्रोफेसर रंजीत से शादी कर ली। प्रोफेसर रंजीत। लिले, थैंक यू। क्यों? इतनी जल्दी भी क्या है लैब जाने की? बहुत जल्दी है लिले। लॉन्चिंग स्टेशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ। पर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट तो तुम कब का कर चुके हो? हाँ डार्लिंग, वो तो हो चुका है, लेकिन 13 फरवरी भी बहुत नजदीक आ रही है। डी डे। हेलो मिस्टर रंजीत। हाँ, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। मैं इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। कॉस्मोस के हीरे आ गए, आप फौरन पहुँच जाइए। मैं अभी आता हूँ। किसका फोन था? डार्लिंग, मुझे अभी इसी वक्त इंस्टीट्यूट पहुँचना होगा। क्यों? कॉस्मोस की सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई है, यानी के हीरे। अच्छा। हाँ, लेकिन डार्लिंग प्लीज टेक केयर। जब से मोजेस की डेथ हुई है मैं बहुत डर गई हूँ। किससे? बाउंड 303 से? हाँ, हमारी पूरी कोशिशों के बाद भी वो हमारे हाथों से निकल गया। अरे डार्लिंग, जिस दिन वो मेरे सामने आ जाएगा ना, वही दिन वही पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। रिलैक्स, टेक केयर। नहीं नहीं, किसी को अंदर जाने का इजाजत नहीं है। प्रोफेसर साहब का सख्त मनाही है। वो आ गया साहब, आ गया। साहब से पूछो, साहब बोलेंगे तो आप लोग जा सकते हैं अंदर, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर रंजीत। गुड आफ्टरनून। आई एम प्रोफेसर निगम फ्रॉम गिरगाम। निगम फ्रॉम गिरगाम। गिरगाम? Yes! और ये खूबसूरत लड़कियाँ आपकी फैन है और मेरी स्टूडेंट। लड़कियों नमस्ते। नमस्ते प्रोफेसर साहब। और मैं तो आपका भगत हूँ, जैसे हनुमान जी राम जी के भगत थे। क्या काम है आपको? अरे काम तो होता ही रहेगा, पहले जीवन के दर्शन तो कर लेने दीजिए। कुमारी कविता। यस सर। कविता। यस सर। अरे इधर हो, पहुँच चुओ, चरण चुओ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आशीर्वाद दे ही दीजिए प्रोफेसर साहब, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ये भी आपकी तरफ बेजुबान जानवरों की सेवा में अपनी जिंदगी बिता देगी। प्रोफेसर निगम, कॉलेज ऑफ गिरगा। हाँ हाँ जानता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पास वक्त नहीं। सब बड़े लोगों के पास सब कुछ होता है, एक वक्त नहीं होता। ये बच्चियाँ आपकी लेबोरेटरी देखना चाहती थी और ये भी जानती थी कि आप इसकी इजाजत किसी को नहीं देते, लेकिन मैंने कहा कि मैं चलता हूँ। गोरखा जी साहब, इन्हें लेबोरेटरी दिखा दो। चलो चलो चलो, आ जाओ आप लोग, सब लोग सीधा अंदर चले जाओ। हाँ जी, चलो आप लोग, चलो चलो, चलिए जी, चलिए। हाँ साहब, आप भी आओ। चलो साहब, चलो 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 साहब। हाँ जी, चलिए चलिए, सीधा अंदर चलिए आप लोग, चलिए चलिए। राम सिंह जी साहब, देखो इन्हें नीचे के हॉल में ले जाना, ऊपर ऑपरेशन थिएटर में नहीं, वहां मैं बिजी हूँ। बहुत अच्छा साहब। कितने के होंगे?
कौन हो तुम? 303 बॉन्ड 303। लाओ ये हीरे मुझे दे दो। अजय, क्या हुआ अजय? ये गोलियों की आवाजें कहां से आई? वो प्रोफेसर मुझे चकमा दे गया, लेकिन है यहीं कहीं। बाकी लड़के कहां हैं? वो लोग तो गाड़ी में हैं, लेकिन तुम ही गाड़ी में जाकर बैठो, मैं उससे निपट कर आता हूँ। अजय, डोंट वरी अबाउट मी, तुम जाओ प्लीज। प्लीज टेक केयर। वक्त समझ गया था कि इस खाल के पीछे प्रोफेसर है। जब मैंने गोलियां चलाई और उनका कोई असर नहीं हुआ, ये आखिरी गोली मैंने इसके मुंह के अंदर डाल दी जहां से ये मैं देख रहा था। लेकिन तुमने इसे मारकर? कोई गलत काम नहीं किया, ये तो देश का दुश्मन है। ये देखो, स्मगल की हुई डायमंड्स। मैम बॉस, हमें करोड़ों रुपए के हीरे चले जाने का इतना अफसोस नहीं जितना प्रोफेसर रंजीत जैसे हीरे की मौत का है। प्रोफेसर रंजीत ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन का सारा काम तकरीबन पूरा कर चुके थे, सिर्फ लॉन्चिंग स्टेशन का काम बाकी है, जिसके लिए अब दूसरे साइंटिस्टों की मदद लेनी होगी। शक्ति, दुनिया में सिर्फ 4 साइंटिस्ट हैं जो प्रोफेसर रंजीत का छोड़ा हुआ काम पूरा कर सकते हैं। उनके नाम और पते कल तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और तुम उनको इंडिया लाने का बंदोबस्त करोगे। एक बात और, बॉन्ड की परवाज बहुत ऊंची हो चुकी है, उसके पर काटने का फौरन इंतजाम करो। ओवर। शक्ति, 303 को मैं अपने हाथों से गोली मारना चाहती हूँ। रंजीत की मौत का बदला मैं खुद लूंगी। आई प्रॉमिस यू लिली, आई प्रॉमिस यू। बॉन्ड 303 मरेगा तो सिर्फ तुम्हारे हाथों से मरेगा। That's my promise. वाह वाह, मिस्टर अजय, what a pleasant surprise. This is my assistant Aslam. बैठिए ना, बैठिए। Thank you sir. मैं तो खुद मिलने आ रहा था कविता के सिलसिले में। कविता? जी हाँ, वो मेरी भतीजी है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है और मुझे उसकी पसंद की दाद देनी पड़ती है। वर्मा साहब, इस वक्त मैं यहाँ सरकारी काम से आया हूँ। मुझसे काम है, फरमाइए। आपके एक बहुत गहरे दोस्त थे प्रोफेसर रंजीत। थे? जी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ओह नो।
आपको शायद इतना अफसोस नहीं होगा जब आपको पता चलेगा कि वो ट्रेटर थे, देश के गद्दार। आप तो मुझे शौक पे शौक दे रहे हैं। मुल्क का इतना नामचीन साइंटिस्ट, सरकार की तरफ से न जाने उनको कितने अवार्ड्स मिल गए हैं, वो गद्दार। आप उनके पुराने दोस्त थे ना? हाँ, दोस्त तो जरूर था, लेकिन कुछ साल पहले मैंने अपने अखबार में उनके खिलाफ कुछ लिख दिया था। उस दिन से बस बोल चाल, आना जाना तो क्या, फोन पर भी बात नहीं हुई। वर्मा साहब, एक बात बताइए, आप उनके दूसरे दोस्तों के बारे में तो जानते होंगे। अजय, अगर उनको नहीं मिला तो उनके साथ कौन कौन था, ये कैसे जानूंगा? आई सी, एनीवे थैंक्स। असलम कहाँ गए? असलम। अयश कप्तान। खैर छोड़िए, अगर गवर्नमेंट ड्यूटी खत्म हो गई है तो मैं एक प्राइवेट बात करूं। जी कहिए। बहुत सालों बाद मेरा बेटा कल अपना जन्मदिन मनाने घर आ रहा है, एक छोटी सी पार्टी होगी, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप आ सकें तो। जी हाँ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। असलम साहब, आप भी आ जाइए। अगर आप ना भी बुलाते तो मैं हाजिर हो जाता, क्योंकि इनकम टैक्स वाले और पुलिस वाले बिन बुलाए पहुंच ही जाते हैं। अच्छा साहब, आप चलते हैं अभी। अच्छा, अबे इधर। जो जलवा है पर्दा है, जो पर्दा है जलवा है, वो बज़्म में तमाशाई भी, क्या बज़्म में तमाशा है और दुनिया। हाँ तो साहब, और दुनिया? दुनिया में एक ही मजनू है, दुनिया में एक ही लैला है, एक हाथ में गिलास पकड़ो, दूसरे हाथ में थैला है, लैला। अरे आप? जी हाँ मैं, ये फूलों का गुलदस्ता कबूल कीजिए। थैंक यू। आप कहाँ गुम रहती है सलमा जी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, एयरपोर्ट पे ढूंढा, रेलवे स्टेशन पे ढूंढा, बस स्टैंड पे ढूंढा, साइकिल स्टैंड पे ढूंढा, और क्या मजाक करते हैं, मेरा ख्याल था आप वो मुलाकात भूल चुके होंगे। मुलाकात भूल चुके होंगे और वो भी मैं? आप क्या कहती हैं, लोग फूलों की खुशबू को भूल जाते हैं लेकिन कांटों की चुभन को नहीं भूलते। वो इंजेक्शन जो आपने मारा था, उसका दर्द कहाँ से कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? मैं बताता हूँ, आप चलिए ना मेरे साथ उस कोने में। जी हाँ, चलिए चलिए, डरने की बात नहीं, आइए आइए। पहले आप तुम्हारा ग्लास खाली है? जी मैं ले रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा तुम्हें कविता का इंतजार है, वो तैयार हो। वैसे मैं तो सोचता हूँ अच्छा ही है वो देरी से आए, क्योंकि वो आई और तुम गए, फिर हमसे बात करने के लिए वक्त ही कहाँ होगा तुम्हारे पास। ठहरो 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 ठहरो। थैंक यू वेरी मच। वैसे वो कहाँ है जिनकी ये बर्थडे पार्टी है? मेरा बेटा। फैंटास्टिक, सी थिंक ऑफ द डेविल एट देयर हीज। मैं मुबारकबाद देने जा रही हूँ। ओहो, तो यहीं से दे दीजिए ना। नहीं, बुरा लगता है। और जो हमें बुरा लगता है उसका कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं, कि मैं सारी रात यहीं आपके साथ बैठी रहूं? आए, आए, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, लेकिन मैं आपको बैठने को कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो लेटने को कह रहा हूँ। मेरा मतलब है अपना सर रख कर मेरी गोदी में लेट जाइए। अरे मत मचाओ हल्ला, यहाँ से कहीं हम दूर चलते हैं, जहाँ मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं। शक्ति, इनसे मिलो, ये हैं आज की पार्टी के स्पेशल गेस्ट मिस्टर अजय, माय सन शक्ति। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। शक्ति, ये भारत के सबसे मशहूर सीक्रेट एजेंट हैं, बॉन्ड 303। आप मेरे आदर्श, यू आर माय आइडियल। यकीन मानिए जो साहब, बचपन में मुझे भी सीक्रेट एजेंट बनने का बहुत शौक था। हजारों गोलियां चलाया करता था और लाखों करोड़ों दुश्मनों को मारा करता था। लेकिन सच मानिए अजय साहब, अब भी मुझे अगर कहीं किसी देशद्रोही का पता लगता है तो जी चाहे तो उसे वहीं खत्म कर दूं। आपका देशभक्ति का जज्बा जानकर और भी खुशी हुई। शक्ति, ये कविता के बॉयफ्रेंड हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अब तो जल्दी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आई प्रॉमिस यू अजय साहब, मैं आपका बहुत ही अच्छा साला बनूंगा। डैडी जी, कविता कहाँ है? मैं देखता हूँ, तुम जरा आ जाएगा ख्याल रखना। हाँ जरूर, अब ये हमसे बचकर कहाँ जाएंगे? आए, 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 कर लिया बहुत कुछ मैंने,
अब और कुछ करने को जी चाहता है। मार दिया बहुतों को मैंने, अब मरने को जी चाहता है। हाँ भी, ऐसे माहौल में लोग मोहब्बत की बातें करते हैं और आप मरने की बातें कर रहे हैं। हाय हाय, नहीं समझी तू, नहीं समझी। अरे मैं तो मोहब्बत में मरे जा रहा हूँ। चलिए अब वह पार्टी खत्म हो चुकी होगी। अरे वो पार्टी तो खत्म हो गई, अपनी पार्टी शुरू करें। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है हम दोनों किस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में या जनता पार्टी में। आप भी कैसी बातें करते हैं। हाय हाय मर जावा। अरे चांद की ठंडक भी है, इश्क की गर्मी भी है, फर्श की सख्ती भी है, जिस्म की नरमी भी है, थोड़ी बेशर्मी भी है। ब्यूटीफुल आर्ट का ऐसा पीस बहुत कम देखने को मिलता है। सच? इसका मतलब है आपके पास देखने वाली आंख है, पहचानने वाली भी। मेरा ख्याल है कि मैंने एक ऐसा पीस कलकत्ता के म्यूजियम में देखा है। यू आर राइट, ये वही है। रियली? जी हाँ। अजय साहब मुझे अच्छी अच्छी चीजें इकट्ठे करने का बहुत ही शौक है। दरअसल मैं लाखों रुपया हर साल ऐसी चीजों पर जाया कर देता हूँ, लेकिन जब भी मुझे आप जैसे कदरदान मिल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है मैंने पैसे जाया नहीं किया बल्कि पैसे को इज्जत बख्शी। आप मेरी कलेक्शन देखना चाहेंगे? आप मुझे इज्जत बख्श रहे हैं। हाँ तो फिर चलिए ना, लेट्स गो। चलिए आइए। बहुत खूब। दरअसल मेरे दादा के दादाजी को ऐसी नायाब चीजें इकट्ठी करने का बहुत शौक था। ऐसे आइए चलिए। इस जगह पे आपको कोई ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी जिसका ताल्लुक हिस्ट्री में किसी न किसी घटना से ना हुआ हो। प्लीज। ओहो ब्यूटीफुल एक्सलेंट, वाकई बहुत अच्छी कलेक्शन। थैंक यू। मुझे सिर्फ इकट्ठी करने का ही शौक नहीं, तोहफे देने का भी शौक है। ये तोहफा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे, मुलायम, मखमली। मुझे उम्मीद थी आपको ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। आखिरी नींद आरामदेह होनी चाहिए। हमारी तो हर नींद आरामदेह होती है। यहाँ जो कुछ भी होता है हमारी इजाजत से होता है। घबराइए नहीं, आप रंगीन आदमी हैं, आपकी मौत भी रंगीन होगी। लिली आओ, लिली आओ। हमने वादा किया था ना, ये लो, ले लो अपने रंजीत की मौत का बदला। इसे ले जाकर झील की गहराई में दफना दो। चलो। ओहो, यही वक्त मिला था मुझे याद करने का। लेकिन चारों तरफ पानी, न जाने क्यों बॉन्ड को इस वक्त नहाने का शौक चढ़ाया। लेकिन सिग्नल तो पानी में से आ रहा है, कुछ गड़बड़ी लगती है। वहां पानी, वहां पानी, नॉर्थ साउथ वेस्ट। सिग्नल पानी में से आ रहा है, मतलब डेंजर।
कप्तान, ये क्या मजाक है? ये भी कोई सोने की जगह है? मैं तो जिंदगी भर के लिए सो गया होता अगर तू वक्त पर आकर मुझे ना बचाता। क्या मतलब? लिली ने मुझ पर 3 गोलियां चलाई, ये तो इस जैकेट की वजह से बच गया, लेकिन गोलियों का धक्का इतना था कि मैं बेहोश हो गया। ये देख, दहत तेरे की। अच्छा होता कि मैं मर गया होता, ये नंबर 1 मुझे 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देगा। यस नंबर 1 303। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, तुम फौरन मुझसे मिलो। ओके सर, राइट ओवर। ये है प्रोफेसर युगांडा समारिया, यूएनआरसी के ग्राउंड टू एयर मिसाइल डिपार्टमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। ये है डॉक्टर हीस डंकन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक मैन के राइट हैंड मैन, दुनिया के माने हुए एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट। और ये है यूरी कार्तोव, डायरेक्टर ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर SBA। और ये एंटोनियो मास्ट्रियानो, रेवोल्यूशनरी एंड टेररिस्ट लीडर, नाउ कनेक्टेड विद स्पेक्ट्रा। ये बहुत ही खतरनाक और डेडली आदमी है। देखने में ये चारों बहुत सीधे साधे और बेकार से आदमी लगते हैं, लेकिन इंटरपोल की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया के बहुत माने हुए साइंटिस्ट हैं, जिन्हें अपने अपने मुल्क से किसी खास काम के लिए खुफिया तौर पे भारत भेजा गया है। भेजा गया है? यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इन्हें भारत सरकार ने नहीं बुलाया? नहीं, लेकिन ये चारों बम्बई के आसपास के किसी बीच पर ही उतारे गए हैं, और ये काम अंडरवर्ल्ड का ही हो सकता है। लेकिन इंडिया के अंडरवर्ल्ड में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इतना बड़ा खर्चा करके फॉरेन से साइंटिस्ट बुलाएगा? और क्या सोच रहे हो? सर, मुझ पर गोलियां प्रोफेसर रंजीत की वाइफ ने चलाई अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेने के लिए। प्रोफेसर रंजीत बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी मौत के बाद इन साइंटिस्टों को बुलाया जाना, साइंटिस्ट की जगह साइंटिस्ट। करेक्ट, मुझे क्लू मिल गया सर, यह काम शक्ति वर्मा का है। Are you sure? Yes sir, लेकिन मैं उसे अभी गिरफ्तार नहीं करूंगा। अब तो उसके जरिए उसका सारा ग्रुप उसके विदेशी कॉन्टैक्ट के साथ खत्म करूंगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अंधे को कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, गाड़ी वाले बाबा, अंधे फकीर को कुछ दे दे बाबा, अंधे बेकारी को कुछ दे दे। ये माइक है, उसकी गाड़ी में डाल देना। डाल दूंगा, अल्लाह के नाम पे डाल दूंगा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, 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 अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दिया। क्या सिम, अल्लाह के नाम पे खुल जा, अल्लाह के नाम पे। अब क्या करूं, फ्रंट क्लोज्ड, बैक क्लोज्ड, आगे बंद, पीछे बंद, कैसे डालूं कप्तान? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम। हट जा रास्ते से, तेरा रास्ता तो साफ है, तेरा वक्त तो सिर्फ 6 महीने का है, बाकी अल्लाह ही अल्लाह। क्या पकता है? अरे अरे अरे, क्यों बंदे अंधे के कंधे पे आज तक कितने धंधे को गुजरात कर रहा है? जा अल्लाह मालिक है, वो तेरे को ठीक करेगा बाबा, जा बाबा, अल्लाह अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अंधे फकीर को कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे अंधे फकीर को। डाल दिया? हाँ डाल दिया, लेकिन गाड़ी में नहीं डाल सका, उसकी जेब में डाल दिया, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ये तो और भी अच्छा है। चलो पार्टी का इंतजाम तो हो गया, लेकिन मैकडोन के एंटरटेनमेंट का क्या बंदोबस्त किया है? मैक से मेरी बात हुई थी, उसने कहा कि फॉरनर्स हमारे देश को जादू का देश कहते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए एक जादू का प्रोग्राम रखा है। शक्ति, ऐसी एंटरटेनमेंट होगी कि चारों फ्लैट हो जाएंगे। गुड, वेरी गुड। कप्तान, ये क्या, ये पार्टी, ये फॉरेनर्स, ये फ्लैट हो जाएंगे, क्या किसी कार के टायर के बारे में बोल रहे हैं? फॉरेनर्स एंटरटेनमेंट के चक्कर में फ्लैट हो जाएंगे, यानी कि साइंटिस्ट जिन्हें इन्होंने बाहर से बुलाया। ओ, यानी कि इसी होटल में पार्टी होने वाली है, साथ में जादू का खेल भी होगा। कप्तान, ये तो हम भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, अमरूदों में अमरूद कहाँ का? अलाहाबाद का। और नारंगी में नारंगी? नागपुर की। और जादू में जादू? बंगाल का। अल्लाह के नाम पे दे
हमारे बदतरीन और खतरनाक दुश्मन बॉन्ड 303 की मौत ने हमारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। कम ऑन, उसकी आत्मा की शांति के लिए बेस्ट ऑफ लक। कमल, टेक योर सीट, टेक योर सीट। और अब हमारे मौजूद मेहमानों की खुशी और दिलजोई के लिए बंगाल के मशहूर जादूगर प्रोफेसर तकरार अपने जादू का कमाल दिखाएंगे। बोंसवार, कुमतालेवू, कुमाश्ता करीबू, गुड इवनिंग। हाजरीन मेहमानों को प्रोफेसर तकरार का सलाम, आदा बर्ज, और ये है मेरे असिस्टेंट मैडम इकरार। हेलो मैडम इकरार। अब हम दोनों आपके सामने चंद खेल पेश करेंगे। जादू का डंडा लाओ। थैंक यू। इटकाल बड़गांड की बड़ी बड़ी आज पुपू। गिली 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 गबनली गुप। गिली 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 गबनली गुप। देवरा देवरा देवनहल्ली युप। देवरा देवरा देवनहल्ली युप। अब देखिए हाजरीन इस डंडे का कमाल। पकड़ो ये डंडा और निकालो अंडा। अरे ये वाला अच्छा नहीं, दूसरे वाला दो। अरे ये वाला अच्छा नहीं, दूसरा दो। अंडा गायब, खा गई क्या? अरे मेहमानों का अंडा है चमजी, चल निकाल जल्दी से। लिपस्टिक लगा के दिया क्या? वाह, ये लीजिए मेहमान। भाई वाह, कमाल का जादू है। डीम पटाक फट पटाक पू। अब मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ सबसे बड़ा कमाल, जादू ए बंगाल। अमीर हो जाए कंगाल और सब लोग हो जाए निहाल। काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन न जाए खाली। दिल अगर जवान है तो आदमी जवान है। हर जिंदगी है उसकी जिसपे हुस्न मेहरबान है। अगर जवान है तो आदमी जवान है, जिंदगी है उसकी जिसपे हुस्न मेहरबान है। हुस्न मेहरबान है। किटी माटी बड़ी कंडी मनी कंडी बन चीचू। एड़े कोने बड़ी कंडी 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 बन चीचू। सबके सब साइंटिस्ट लड़कियां बन गए। Ooh, 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 oo
है तो दुनिया में पा, 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 पा। जीना है तो दुनिया में अपना रंग जमा के जी, मस्ती का ये पैमाना सबसे टकरा के पी। जीना है तो दुनिया में अपना रंग जमा के जी, मस्ती का ये पैमाना सबसे टकरा के पी। प्यार के नशे में झूम इसमें तेरी शान है, जिंदगी है उसकी जिस पे हुस्न मेहरबान है, हुस्न मेहरबान है। दिल अगर जवान है तो आदमी जवान है, जिंदगी है उसकी जिस पे हुस्न मेहरबान है, हुस्न मेहरबान है। बिना पिए ही आता है, बिना पिए ही आता है दिल को जोश जवानी में, किसको रहता है यारो होश जवानी में। हर बिना पिए ही आता है दिल को जोश जवानी में, किसको रहता है यारो होश जवानी में। जवानी एक तीर बाकी जिंदगी कमान है, हुस्न मेहरबान है, हुस्न मेहरबान है। ये दिल अगर जवान है तो आदमी जवान है, जिंदगी है उसकी जिस पे हुस्न मेहरबान है, हुस्न मेहरबान है। बॉन्ड 303। तुम अभिचंदा हो? आज तुम बचकर नहीं जा सकते शक्ति। तू बॉन्ड 303 बच कैसे गया? मैंने खुद अपने हाथों से उसका कॉफिन पानी में बहाया था। ये तो बहुत अच्छा हुआ टाइगर कि मैक ने वक्त पर लाइट ऑफ कर दी और बॉन्ड की गोलियां शक्ति के दिल का निशाना चुक गई, वरना मुझे तो साइंटिस्ट की फिक्र है। कॉस्मोस तक खबर पहुंचने से पहले हमें साइंटिस्ट को किसी भी कीमत पर वापस लाना होगा। साइंटिस्ट वापस आएंगे और उनके साथ बॉन्ड की लाश भी। मुझे अगर गोली न लगी होती डैडी तो मैं उसे। गोलियां चलाने वाले को कभी कभी गोलियां खानी भी पड़ती हैं शक्ति। मुल्क में खून खराबा लाना है तो हमें थोड़ा सा खून तो अपना भी देना पड़ेगा। हम देश के गद्दार हैं ना, और गद्दारी की जितनी बड़ी सजा होती है उतना ही बड़ा इनाम भी। हमने कॉस्मोस के साथ जो सौदा किया है वो हर कीमत पर पूरा होगा। मगर कैसे? तुम जानते हो कविता बॉन्ड से प्यार करती है और अब कविता ही 303 की मौत बनेगी। मैं समझा नहीं। विकास। यस सर। तुम्हें कल सुबह के प्लेन से इटली जाना है, जाने की तैयारी करो। ओके टाइगर। तुम सब लोग जा सकते हो। शक्ति, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया कि कविता की एक बहन भी है, सुजियाना, जो इटली के अंडरवर्ल्ड की बड़ी मशहूर और जांबाज लड़की है। मैं उसे अपनी मदद के लिए इंडिया बुला रहा हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि कविता और सुजियाना की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती है। फैंटास्टिक। कविता की जगह आकर वो बॉन्ड से प्यार करेगी, मौत का प्यार। सॉरी माय फ्रेंड, वेरी सॉरी। तुम सुजियाना के लिए इंडिया से जॉब लाया? सुजियाना नो मोर माय फ्रेंड, शी इज नो मोर। क्या सुजियाना जिंदा नहीं है? जिंदा है, बट 5 मिनट के बाद जिंदा ना ही रहेगा। नहीं, नहीं। मीट सुजियाना मामा। सुजियाना को कोई नहीं मार सकता, वो जिंदा है और जिंदा रहेगी। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते लुका ब्रासी, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओ शट अप। इसे बाधा हुआ क्यों है? ये अपना बेटी के साथ मिलकर हमको चीट किया है, लूका ब्रासियो को। लायर! हमारी सुजियाना ने कभी किसी को चीट नहीं किया। चीट तो तुम हो। मेरी बेटी का $50,000 तुम्हारे पास था, उसने मांगा तो तुमने पुलिस से मिलकर उस पर झूठा मर्डर केस करवाया, उसको अरेस्ट करवाया। लेकिन याद रखो लूका ब्रासी, इटली की जेल की कोई भी दीवार ऐसी नहीं जो मेरी
बेटी का रास्ता रोक सके। वो जेल से बाहर आएगी और तुम सबसे बदला लेगी। बदला? माय डियर मामा, ये टाइम तुम्हारा सुजियाना का मौत का है। सुजियाना की नहीं, तेरी मौत का। ओ, तुम अभी तक जिंदा है? मौत किसका होगा तुमको अभी पता चल जाएगा। शाबाश की बच्ची, पहले मैं तुमको खत्म करता हूं। बेटी, बेटी। सॉरी मामा, तुम्हारा बेटी मर गया। तुझे आना नो मोर। हेलो, इट्स योर टर्न। दुनिया में आज तक ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो सुजियाना की छाती को छू सके। जिंदाबाद। मामा। यस बेबी। हाउ आर यू मिस्टर ल्यू का प्राची? यस बेबी। इसमें एक और गोली बाकी है, अगर चला दूं तो तेरा किस्सा अभी खत्म हो जाएगा। मगर नहीं, सुजियाना चूहों का नहीं शेर का शिकार करती है। वाह, जैसा सुना था वैसे ही पाया। नो सुजियाना, ही इज अ फ्रेंड। फ्रेंड? हाँ बेटी। हाँ, मुझे टाइगर ने भेजा है, वहां तुम्हारे लिए काम है। हाउ मच? $25,000, बाकी $25,000 काम हो जाने के बाद। गुड। मामा। यस बेटी। हम हिंदुस्तान जाएंगे। तुम जैसे लापरवाह आदमी के साथ घर कैसे बसाया जा सकता है? हाँ, घर तो नहीं बसाया जा सकता। तुम्हें तो घर की फिक्र ही नहीं होगी। घर की फिक्र नहीं होगी, लेकिन घरवाली की फिक्र तो जरूर होगी। झूठ, मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं। बात का ना सही, लेकिन प्यार का एतबार तो है। ये भी कोई प्यार करने का तरीका है? न आने का पता, न जाने का। उस रोज रात को पार्टी में सारा घर छान मारा, लेकिन तुम तो ऐसे गायब हुए थे जैसे जादूगर ने जादू की फूंक मार के उड़ा दिया। राइट, जादू ही तो फूंका था मुझ पर। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जादूगर थे। तीन? एक तो तुम। अच्छा? हाँ, तुम्हारे जादू से तो बच जाता था, लेकिन दूसरे दो जादूगरों से बच गया, ये तो गुड लक ही समझो। दूसरे दो जादूगर कौन? बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो ना। एक तो तुम्हारे भाई साहब और दूसरे तुम्हारे अंकल। फिर तुमने मेरे अंकल के बारे में कुछ कहा? मैं सच कहता हूँ कविता, तुम्हारे अंकल बहुत बड़े स्मगलर हैं, देश के गद्दार हैं। अच्छे, तुम बिना सबूत के मेरे अंकल पर इल्जाम लगा रहे हो। कविता, सबूत तो मैं दूंगा ही, और सबूत के साथ ही तुम्हारे अंकल को गिरफ्तार भी करूंगा। तुम किसी के बहकावे में आ गए हो। मेरे अंकल के खिलाफ तुम्हें कभी कोई सबूत नहीं मिलेगा। वो कितने दयालु, कितने नेक और भगवान से कितने डरने वाले आदमी हैं, वो मैं जानती हूँ। उनके किसी आदमी से दुश्मनी नहीं, और तुम उन्हें देश का दुश्मन कहते हो? This is silly nonsense. मैं तुमसे बात करने को तैयार नहीं। I don't want to talk to you. कविता, 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 मेरी बात तो सुनो। अंकल। Yes, बेटा, क्या बात है? अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। अकेले में। प्लीज आइए ना। क्या बात है बेटी?
अंकल आप फॉरन आईजी को फोन कीजिए या तो होम मिनिस्टर से मिलिए। आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, आप पर झूठा इल्जाम लगाकर कोई आपको फंसाना चाहता है। उफो, आप नहीं समझते अंकल, आपके पीछे सीआईडी लगी हुई है। आपके दफ्तर पे या हमारे घर पे कभी भी रेड हो सकती है। उन्हें शक है कि आप देशद्रोही हैं। किसे शक है? अजय को, आई मीन बॉन्ड 303। वो कहता है आप देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं। वो ठीक ही कह रहा है। लतीफ, अब तुम्हारा इस घर में रहना हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। यस सर। लतीफ, इसे ले जाओ और बंद कर दो। ये सब क्या हो रहा है अंकल? मुझे क्यों बंद करना चाहते हैं? ताकि तुम और कुछ न सुन सको। तो क्या ये सच है? मैं नहीं मान सकती इसे, मैं नहीं मान सकती इसे। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है बेटी, जो ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। ले जाओ इसे। चलो। छोड़ दो मुझे। चला। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। चलो। छोड़ दो मुझे। दोनों सहेलियों को अलग अलग बंद कर दो। चलो। भाभी, वेलकम वेलकम टू इंडिया। हाउ आर यू? वेलकम सुजियाना। अरे भाई, आपने तो हमें पराया समझकर भुला दिया था, लेकिन हम अपनों की याद दिल से नहीं निकाल पाए। हाँ। याद भी तभी आई जब काम पड़ा। Come on, mom. Business first. Mr. Verma, what's my job? Easy, easy, baby. इतने लंबे सफर से आई हो, सर आराम तो करो। काम तो बता ही देंगे। विकास जी, इन्हें गेस्ट रूम ले जाओ। See you. वाह। मैं ये फिल्म इतनी बार देख चुकी हूँ कि अब कविता का हर एक्शन, बोलचाल, उसका हर स्टाइल कॉपी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि उसकी हैंडराइटिंग भी। शाबाश सुजियाना, तो हम हमारे खेल की शुरुआत तुम्हारे हैंडराइटिंग से ही करते हैं। तुम कविता की तरफ से बॉन्ड के नाम एक खत लिखो। अजय, चाहिए तो था मैं खुद आकर कल की बात के लिए तुमसे माफी मांगती, मगर हिम्मत नहीं हुई। तुमने तो अपना समझकर मुझसे अपने दिल की बात की, मगर मैं बेवकूफ तुम्हारे प्यार की गहराई नहीं समझ पाई। अंकल के बारे में जो कुछ तुमने कहा वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन अजय दिल नहीं मानता कि वो देशद्रोही हैं। बहुत परेशान हूँ अजय, और तुम ही मेरी परेशानी दूर कर सकते हो। तुम्हारी कविता। हेलो, मैं कविता बोल रही हूँ। कविता? कौन? अजय? तुम्हारा लेटर मिला। तुमने जो लिखा है उसके लिए तुम आज शाम को ही मेरे साथ चलोगी और अपनी आंखों से असलियत को देख लोगी। Are you ready to speak? Are you ready to speak?
Yes. Okay. Who invited you to India? We don't know the name. नाम नहीं जानते और काम करने चले आए? For money. How much? How much? $1 million for all of us. Wow. यानी करोड़ों में? बहुत ही अमीर आदमी लगता है जिसने भी इन्हें यहाँ बुलाया। Who met you when you landed here? I said, who met you when you landed here? One, Mr. Shakti. Shakti Verma. Shakti Verma ने 6 साल पहले वेस्टर्न घाट पर 600 एकड़ जमीन ली ये कहकर कि वहां पर एक पेपर मिल दवा बनाने की कंपनी और इस पास का कारखाना खोला जाएगा जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा सरकार ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए का इंपोर्ट लाइसेंस दिया जिसके जरिए जापान अमेरिका और जर्मनी से मशीनरी मंगवाई गई लेकिन आज तक वहां कोई फैक्ट्री खुली ना कोई कारखाना तो फिर ये मशीनरी गई कहां असलम मुझे शक्ति वर्मा की तरह ये सब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और लगता है फिकर नॉट कप्तान मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में जाके शक्ति वर्मा की यहां से बर्मा तक की अंदर बाहर की सारी खबरें लेके आता हूं बाय हेलो हेलो अजय अजय तुम ही बोल रहे हो ना कविता क्या बात है इतनी घबराई हुई क्यों अजय मैं वेस्टर्न घाट चेक पोस्ट से बोल रही हूँ वेस्टर्न तुम वहाँ कैसे पहुँच गई अंकल का पीछा करते करते क्या तुम्हारा शक सच था अजय अंकल का सचमुच कुछ विदेशियों से जोड़ तोड़ है और वो कोई जबरदस्त प्लान बना रहे हैं मैं उनका पीछा करते करते यहाँ तक आई मगर उनकी कार ये घाट पार करते ही न जाने कहाँ गायब हो गई तुम वहीं रुको मैं भी पहुँचता हूँ सुनो अजय अकेले ही आना ताकि उन लोगों को कुछ शक भी हो तो हम कोई बहाना बना सके ठीक है ना ठीक है मैं अभी आता हूँ Cheers. एक मेरे लिए भी तुम हाँ मैं मौत धोखा दे गई या यूं समझ लो मैं मौत को धोखा दे आया वैसे जैसे तुम मुझे धोखा देकर साइंटिस्ट ले आई कौन हो तुम डार्लिंग तुम अपनी कविता को नहीं पहचानते डार्लिंग अपना असली रूप दिखाओ वरना अब देखा मेरा असली रूप क्या बात है मेरा नाम सुजियाना है सुजियाना ऑफ इटली हेलो सुजियाना यह आपका बॉन्ड 303 यहाँ पर बेहोश पड़ा है लाइंग हाफ डेड उसे हमारे पास ले आओ अभी ले आती हूँ हाँ
वेल डन सुजियाना, वेल डन। तुमने अपने नाम और काम की लाज रख ली। आज तुमने वो कर दिखाया है जिसके लिए हम तुम्हारे हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। गुड गुड, कम ऑन शक्ति। इसे बाहर निकाल दो। यहां तक पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। शेर की मांद में आकर गीदड़ भपकियां। शक्ति, इसे खत्म कर दो। शूट हिम डेड। नहीं डैडी, नहीं। इस कमबख्त ने हमारी बहुत सी रातों की नींद को हराम किया है। हम इसे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे। हम अभी से पहले हमारी ताकत का अंदाजा तो बता लें। राइट। हम तो भूल ही गए थे कि यह बड़ा देश प्रेमी है। इस देश प्रेमी को इसके देश की तबाही का सामान तो दिखा दो। बॉन्ड, वो देखो, वो तोप। इसे बनाने के लिए हमारे साइंसदानों ने कई साल दिन रात कर दिए। इसकी पहुंच हजारों मील तक है। और बॉन्ड, आज 13 फरवरी है। आज के दिन तुम्हारे इंजनापुर में तुम्हारे देश के बड़े बड़े सियासतदान, यानी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी हस्तियां जमा होंगी और उनकी हिफाजत के लिए तुम्हारी फौज के बड़े बड़े ऑफिसर भी होंगे। अब से ठीक 15 मिनट के बाद ये गोला इस तोप में रखा जाएगा और फिर छोटा सा बटन दबाकर अंजनापुर का नाम इस दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए जानकायब कर दिया जाएगा। रामजादे कमीने, तू दौलत की खातिर अपने मुल्क को तबाह कर रहा है। हिंदुस्तान की धरती तुझे कभी माफ नहीं करेगी। तेरा नाम गद्दारों में लिखा जाएगा और तेरा नाम शहीदों में लिखा जाएगा। हा? ले जाओ इस कुत्ते को और फेंक दो गैस चैंबर में। इधर 15 मिनट में जहरीली गैस इसे खत्म कर देगी, उधर 15 मिनट के बाद वो शहर खत्म हो जाएगा। लेकिन शक्ति, इसके आखिरी सांस निकलने से पहले इसे यह जरूर बताया जाए कि सारे का सारा अंजनापुर जलकर राख हो गया है, ताकि मरने के बाद भी इसकी आत्मा को चैन ना मिले। गुड आइडिया, ले जाओ। Every important man in the country is there right now. This is all operated electronically. Ah, इनसे मिलो। ये हैं कॉस्मोस, जिन्होंने हम पर विश्वास करके हमें इतना बड़ा काम सौंपा है। And this is Suzanna. Hi. Ah, I've heard a lot about you. Ah, right. Suzanna, ये तुम्हारे $25,000 और ये 2 एयर टिकट्स। Thank you. वैसे तो तुम जब भी चाहो जा सकती हो, लेकिन हमें खुशी होगी अगर तुम और तुम्हारी मदर कुछ देर और यहाँ रहकर हमारे कारनामे देखें और हमारी खुशी में हिस्सा लें। ठीक है, लेकिन मामी है कहाँ? बेटी, मैं, मुझे अधिकार तो नहीं रहा कि तुम्हें बेटी कह के पुकारूं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? मेरी माँ? हाँ, तुम्हें इतने से छोड़कर तुम्हारी जुड़वा बहन को लेकर मैं चली गई थी। तुम्हारे डैडी से झगड़ा हुआ था। लेकिन आपको ये कैसे पता कि मैं आपकी बेटी हूँ? मेरी तरफ देखो। ये है तुम्हारी बहन सुजियाना। हेलो सिस्टर। हेलो बेटी, हमने जिंदगी में बहुत दौलत कमा ली है, अब माँ की एक हसरत पूरी कर दे। सारा पैसा अपने अंकल को लौटा कर अपनी बहन की जिंदगी मांग ले। ये भी हमारे साथ इटली चलेगी। नहीं मामा, नो इमोशंस इन आवर बिजनेस। माँ, बहन, भाई, बाप कोई नहीं। हम यहाँ काम करने आए हैं, हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब इसकी किस्मत। लेकिन बेटी। चलिए मामा, ऊपर अंकल इंतजार कर रहे हैं,
सॉरी सिस्टर। वेरी गुड सुजियाना, वेरी गुड। अब जल्दी ऊपर आ जाओ, लॉन्चिंग का टाइम हो गया। कम अप हियर विल यू, लेट्स गो। माइकल। यस सर। कविता को भी गैस चैम्बर में फेंक दो, दोनों प्रेमी एक दूसरे की बाहों में मरने चाहिए। ओके सर। कविता। फरवरी का ये दिन इस देश की आने वाली हर नस्ल याद रखेगी। शक्ति। यस डैडी। तोप चलाने की तैयारी करो। अभी अभी समाचार मिला है कि एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा धुंध होने के कारण आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि का विमान समय पर नहीं उतर पाया, इसलिए सलामी लेने का कार्यक्रम 20 मिनट देर से शुरू होगा। धन्यवाद। शक्ति, बम को वापस उतार दो। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो तोप में इतनी देर तक नहीं रखे जा सकते। माइकल, अनलोड द कैनन। बम को जल्दी से वापस निकाल लो। यस सर। विकास, बम बाहर निकालो।
कमीने। हाँ मैं बॉन्ड 303। अपने आदमियों से कहो कि अपने अपने हथियार फेंक दें, वरना अंजनापुर उड़ने से पहले मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। रुक जाओ बॉन, वजह से गोली मार दूंगा। वेरी गुड मैक, यू बैस्टर्ड। चलो अब इसे भी बम से बांध दो। अगर आपको एतराज न हो तो इस तोप का स्विच दबाने का मुबारक काम मैं अपने हाथ से करूं। वेरी गुड, थैंक यू। सुजियाना, शट अप, पुश द लीवर, पुश द लीवर। मामा, आप कविता को लेकर निकल जाइए। बेट, चलिए 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 चलिए, मैं कप्तान को देखता हूं। कुछ करोड़ डॉलरों के लिए अपने देश को बेचने वालों, तुम्हें देश की हवा में सांस लेने का भी हक नहीं। जिस मां की गोद में पले उसी का सौदा कर लिया तुमने, यू ब्लडी ट्रेटर्स। तुम्हें इस देश से क्या हमदर्दी है? मैं इस देश में जन्मी हूँ, इस शरीर की पहली खून की बूंद इस धरती की देन है, समझे? मैं यहाँ बॉन्ड के लिए आई थी, अपने देश से, अपनी माँ से बेवफाई करने के लिए नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग अपने देश से गद्दारी कर रहे हो तो तुम्हारे आदमी को इटली में ही खत्म कर देती। तुम लोगों को तो ऐसी मौत मिलनी चाहिए। Thank you.
सॉरी सुजाना। वेरी गुड माय बॉय, तुम्हारे लिए प्राइम मिनिस्टर तक की तरफ से मुबारकबाद के तार आए हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और मैं ही क्या, सारा देश तुम पर नाज करता है। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। अरे ठहरो ठहरो, ये अपने तरक्की के ऑर्डर्स तो लेते जाओ। ओह थैंक यू वेरी मच सर। इतनी जल्दी क्या है भाई? सर बात यह है कि बाहर वो कविता इंतजार कर रही है। जी आपने एक महीने की छुट्टी मंजूर कर ली, इसलिए चलता हूँ सर। ओफो सर, इस खतरे की घंटी को एक महीने के लिए आप अपने पास ही रखिए ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूं। चलता हूं सर। अब जो होगा तो होने दो, ये दिल रखने जहां ना माने, दुनिया चलती रहे, हाथ मलती रहे।